आज मुझे हेयर कटिंग करानी है और अभी सुबह के 9 बज रहे हैं, तो मैं जा रहा हूँ हेयर कटिंग कराने। इतनी जल्दी इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि वही पाकिस्तान वाला सिस्टम है, अगर लेट हो गया तो बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। ये अच्छा हुआ कि बस जल्दी मिल गया क्योंकि आज जाना भी बहुत दूर है। बस से तो मैं उतर गया हूँ, अब बस मेट्रो में जा रहा हूँ। ये पहली दफ़ा है कि मैं मेट्रो में वीडियो बना रहा हूँ। आज ये यहाँ पर इतना रश नहीं है, वरना बाकी दिनों में बहुत ज़्यादा रश होता है क्योंकि आज हफ्ते का दिन है ना, तो यहाँ पर छुट्टी होती है। अभी मैं खड़ा हूँ यहाँ पर और मुझे जाना है, आ गया, मुझे जाना है यहाँ पर मारुति मुनीस। तो पहले रुकेंगे अलमेदा में और फिर ग्रीन लाइन पकड़नी है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि और तकरीबन 6 मिनट लगेंगे आने में। और ये साउथ से बस्तिया, ये लास्ट स्टॉप का नाम है जहाँ पे ये रेड लाइन रुकेगी। अभी रेड लाइन से उतर के मैं अलमेदा पहुंच गया हूं, तो अभी मुझे ग्रीन लाइन पकड़नी है और मारुति मुनीस जाना है। यहां पर लिखा हुआ है काश चौधरी, तो मुझे ये वाली लाइन पकड़नी है, ये मुझे मारुति मुनीस लेके जाएगी। तो फाइनली मैं मारुति मुनीस पहुंच गया और बस जाना है हेयर कटिंग करवानी है। मैं यहाँ पर पहुँच गया हूँ और बस अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा हूँ, और अच्छी बात यह है कि मुझसे पहले यहाँ पर कोई भी वेट नहीं कर रहा था। हेयर कटिंग तो मैंने करा ली है, लेकिन यहाँ पर एक कैसल भी है जो बहुत दूर है, मैंने तो नहीं देखा रास्ता, तो आज रास्ता ढूंढेंगे फिर कभी वहाँ पर जाएंगे। इतनी छोटी सी जगह पे इन्होंने ट्राम का भी सिस्टम लगाया हुआ है और रक्शे भी यहीं से जा, बिल्कुल लियारी की तरह
छोटी छोटी गलियां बनी हुई हैं और वहीं से लोग पास करते हुए जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह। यार मैं तो अभी नहीं जा रहा भाई, कैसल का रास्ता ढूंढने फ़ायदा नहीं है। इतनी सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ो फिर नीचे आओ, बेहतर है कि जब बनाना होगा तो तब आके ढूंढ लेंगे। ये तो अभी सिर्फ आधा दिख रहा है, आधा और ऊपर जाना है। यार अभी तो मुझे नहीं जाना, मैं अभी उतर के आया हूँ। मुझे हेयर कटिंग करानी थी, वो मैंने करा दी। कैसल ढूंढना था, आधा ढूंढ लिया, आधा फिर कभी ढूंढ लेंगे। अब बस वेट कर रहा हूँ ग्रीन लाइन का। मुझे उतरना था मुश्कवीद में, लेकिन मैं ओरियन में उतर गया क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा ऑप्शन होते हैं, मतलब 3-4 बसें यहाँ से जाती हैं ना। वैसे तो ये जो मेरे पीछे है यहाँ पर मतलब 3 बसों का स्टॉप है, लेकिन अभी मेरी किस्मत ख़राब है कि यहाँ पर एक भी नहीं रुका। मेरी किस्मत वाकई में ही ख़राब है यार। पिछले 40 मिनट से मैं वेट कर रहा हूँ बस का, फाइनली तकरीबन 50 मिनट के बाद बस आ चुका है। आज का मेन टास्क था हेयर कटिंग, मतलब आज का नहीं, पिछले एक महीने से मैं सोच रहा था कि हेयर कटिंग करवानी है मुझे, तो आज फाइनली हेयर कटिंग मैंने करवा दी। तो हेयर कटिंग करवा के मैं जल्दी फारिग हो गया। मैंने सोचा कि कैसल का रास्ता ढूंढ लेता हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा ऊपर जाना और नीचे आना हो रहा था, तो मैंने वो प्लान वहीं पर ही कैंसिल कर दिया। तो ये वो लोग यहीं पर ही एंड करते हैं, तो मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह।